पहले पठान, फिर जवान और अब डंकी से शाहरुख खान ने बजा दिया है अपने नाम का डंका। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि नेक्स्ट फिल्म में शाहरुख खान प्ले नहीं करेंगे अपनी उम्र से कम दिखने वाला रोल। Yes, you heard it right. Recently, Middle East में डंकी के प्रमोशंस के दौरान SRK ने रिवील किए हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स। और खास बात यह है कि इस बार SRK प्ले करने जा रहे हैं एज अप्रोप्रिएट कैरेक्टर। चलिए आपको दिखाते हैं आखिर क्या है ये चक्कर। एक्चुअली शाहरुख खान पिछले कई फिल्म्स में यंगर कैरेक्टर्स प्ले करते नजर आए हैं और ऑडियंस के एक सेक्शन का ये भी मानना है कि 57 की एज में SRK का यंगर रोल प्ले करना हर बार अच्छा नहीं लगता और ये बात लगता है खुद शाहरुख खान ने भी रियलाइज की है। और मेरा तो जवाब ही नहीं बट इसलिए मिडिल ईस्ट में डंकी के प्रमोशंस के दौरान SRK ने रिवील किया कि उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट में वो प्ले करेंगे एज अप्रोप्रिएट कैरेक्टर। हालांकि SRK ने ये भी इशारा किया कि एज अप्रोप्रिएट रोल के बावजूद उनका कैरेक्टर होगा सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट। इतना ही नहीं, SRK ने हिंट दिया है कि उनकी ये अपकमिंग फिल्म 2024 के मार्च अप्रैल में फ्लोर पर जा सकती है। ऐसे में अगला सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका प्री प्रोडक्शन SRK नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ही करने जा रहे हैं। तो बता दें कि खबरें ये भी हैं कि SRK का वो अपकमिंग प्रोजेक्ट हो सकता है किंग। रिपोर्टेडली इस एक्शन पैक्ड फिल्म में सुहाना खान और शाहरुख खान एक साथ नजर आएंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे सुजॉय घोष, जिन्होंने कहानी जैसी सक्सेसफुल फिल्म्स दी हैं। सुनने में ये भी आया है कि SRK का प्रोडक्शन बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और सिद्धार्थ आनंद की प्रोडक्शन कंपनी मारफ्लिक्स एंटरटेनमेंट इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। मतलब साफ है, शाहरुख खान को फैंस अब जल्द ही एक नए अवतार में दिखेंगे जहां वो अपनी एज के अकॉर्डिंग रोल प्ले करते नजर आएंगे। और फिर जब फिल्म में उनकी को स्टार होंगी द आर्चीज से डेब्यू करने वाली उनकी डॉटर सुहाना खान, तो ये जरूरी भी हो जाता है कि शाहरुख खान अपनी एज से मैच करने वाले किरदार में नजर आए। रही बात SRK के फैंस की, तो वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शाहरुख खान भी रजनीकांत की तरह डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हुए नजर आएं।